हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट डिजिटल। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो टेट सीटेट के सिलेबस की स्टार्टिंग की है हिंदी से, उसमें हिंदी में सबसे बेसिक चीजें हमने वर्णमाला शुरुआत किया है कि वर्णमाला आखिर है क्या, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, भाषा क्या है, भाषा की और भाषा के अंग कौन कौन से हैं, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, विभिन्न प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो हर एक एग्जाम में जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है और अगर वर्णमाला सिलेबस में है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं जैसे क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया है। तो हिंदी वर्णमाला पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड में उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं और भी जो आवश्यक चीजें हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके विषय में अब हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इसकी कि कुछ ऐसे मतलब हैं, अघोष अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, नाशिक्य, ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड बहुत पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, लगभग इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसे पूछा गया कि अघोष व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो ऑप्शन में विभिन्न प्रकार के लिख दिया गया कि वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर, वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम अक्षर, तो कौन से, तो इसे बताने के लिए हमें देखना होगा कि अगर जब भी कभी फ्रेंड्स अघोष पूछा जाता है, अगर इस वर्ण तालिका को फ्रेंड्स आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वर्णमाला के सारे क्वेश्चंस आपके इजीली से हो पाएंगे, आसानी से हो पाएंगे, आप वहां पे कर पाएंगे। जैसे फ्रेंड्स पूछा जाता है क्वेश्चंस कि अघोष वर्ण कौन कौन से, तो आपको डायरेक्टली बताना है अगर अघोष पूछा गया तो आप देख रहे हैं अघोष यहाँ पे है, अघोष यहाँ पे है और अघोष फ्रेंड्स आपका बस ये दो अघोष है। तो अगर अघोष आपसे पूछा गया कि अघोष वर्ण यानी व्यंजन कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय अक्षर जो होते हैं ये अघोष होते हैं, इनके साथ साथ आपको बताना होगा श श स, यानी जो ऊष्म व्यंजन है सा सा सा, यानी कि तालव्य शा, दंती शा और मूर्धन्य शा, ये तीनों सा भी क्या होते हैं अघोष वर्ण में आते हैं। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है जब भी कभी हमारे फ्रेंड्स एग्जाम में बैठते हैं और उनसे जैसे अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया तो लोग यानी कि बहुत क्वेश्चन 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर गलती करके आते हैं, लेकिन जब एक बार मेरे इस टेबल को आप अच्छे से समझ लेंगे आपसे कोई भी ऐसी गलतियां कभी नहीं होंगी। तो हमने कहा फ्रेंड जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए कि अघोष वर्ण कौन कौन से हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि अघोष यानी कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय। वर्ग मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये वर्ग के अकॉर्डिंग होते हैं, वर्ग के अनुसार होते हैं। जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो हमने कल वर्णमाला जब इस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था कि स्पर्श व्यंजन क्या है ये वर्गों में विभाजित होते हैं, कई वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो उन वर्गों के और प्रत्येक वर्ग में फ्रेंड्स फाइव फाइव लेटर्स होते हैं, पांच पांच यानी वर्ण उसमें होते हैं, प्रत्येक वर्ग में आप देख पाएंगे पांच पांच वर्णों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर जो भी होते हैं वे क्या होते हैं फ्रेंड्स, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो तालव्य शा, दंत्य शा और मूर्धन्य शा है ये तीनों सा भी फ्रेंड्स अघोष की कैटेगरी में रखे जाते हैं, अघोष के तालिका में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो जब भी कभी सघोष वर्ण पूछे जाए आपसे फ्रेंड्स तो सघोष क्या क्या होते हैं, सघोष वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचमाक्षर जो होते हैं ये फ्रेंड्स सघोष होते हैं। तो सघोष अगर पूछा जाए आपसे तो सघोष के विषय में बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला के जो वर्ग है यानी कि सभी वर्ग उनके जो तृतीय अक्षर है, चतुर्थ अक्षर है, पंचम अक्षर है, यानी तृतीय चतुर्थ पंचम ये जो भी हैं ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये सघोष कहलाते हैं, ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं, आप वहां पर लगा पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है, अल्प प्राण कि अल्प प्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड जब भी कभी अल्प प्राण पूछा जाएगा कि अल्प प्राण कौन से व्यंजन होते हैं तो एक अल्प प्राण फ्रेंड्स आपका यहां होता है, एक अल्प प्राण यहां और एक अल्प प्राण यहां। तो उस रिस्पेक्ट में आपको बताना होता है कि अल्प प्राण जो है वर्ग के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर
और पंचमाक्षर, यानी कैसे याद करेंगे, वर्ण के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचमाक्षर, यानी जो विषम संख्याएं हैं, यानी 1, 3, 5, यानी 1, 3, 5, या जो विषम नंबर हैं, जो विषम संख्याएं हैं उसके हिसाब से याद करेंगे। जो अल्पप्राण होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स की उसमें होते हैं, विषम संख्याओं के रूप में होते हैं। जैसे आप देख पाएंगे कि वर्ग का प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर और वर्ग का पंचमाक्षर जो है फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, ये आपके अल्पप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण आप ऐसे बता पाएंगे। इसी के साथ साथ अल्पप्राण में आपको एक बात और बतानी है कि यानी कि कौन कौन होते हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम, और इसके साथ कौन होते हैं। तो फ्रेंड जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन हमने कल बताया था, या रा ला वा, यानी जो फ्रेंड्स या रा ला वा होते हैं, यानी अंतस्थ व्यंजन, ये भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपके अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण में आपको या रा ला वा और ड, जो उच्चिप्त व्यंजन ड होता है, तो ये भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये भी अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं। यानी अल्प प्राण पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे कि वर्ग के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचमाक्षर, इसके साथ साथ जो अंतस्थ व्यंजनों की जो चार होती संख्या, जो चार होती है या रा ला वा, वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि महाप्राण, कि महाप्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड्स महाप्राण जब भी पूछा जाएगा तो आप महाप्राण बताएंगे कि वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, यानी वर्ग के द्वितीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। आप उसको बता पाएंगे, इजिली आप बता पाएंगे, बस आपको एक बार दिमाग में इन चीजों को सेट कर लेना है। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप एक बार टेबल को स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको दोबारा पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा। बार बार इसका अभ्यास करेंगे कि जो महाप्राण होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, वर्ग के द्वितीय और वर्ग के जो चतुर्थ अक्षर होते हैं उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण व्यंजनों की संख्या अगर पूछ ली गई, जैसे चार ऑप्शन दे दिया गया, एक दे दिया गया चा, जा, या, झा, अब इनमें पूछ लिया गया महाप्राण क्या है, तो चा तो आपका ये अल्प प्राण है, जा भी आपका अल्प प्राण है, या भी अल्प प्राण है, तो आप बताएंगे झा क्या है, महाप्राण है। क्यों, क्योंकि चा, छा, जा, झा, यानी ये चतुर्थ अक्षर है वर्ग का, और वर्ग के द्वितीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर ये दोनों फ्रेंड्स महाप्राण होते हैं। इस वजह से आप वहां पर बता पाएंगे, जब ये चीजें आपको कंठस्थ होंगी तो आप वहां इसको आसानी से बता पाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स पूछ लीजिएगा नासिक व्यंजन कौन है। तो फ्रेंड जितने भी वर्ग के जो पंचमाक्षर है अंग, ये जो क्या है, जो वर्ग के पंचमाक्षर हैं फ्रेंड्स, इसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। जो नासिका के सहायता से बोले जाते हैं इन्हें हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। कौन से वर्ग के पंचमाक्षर जो हैं ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा, अघोष पढ़ा कि अघोष कौन होते हैं, अघोष वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो अक्षर होते हैं ये अघोष होते हैं। हमने पढ़ा सघोष, शघोष, तृतीय, चतुर्थ, पंचम जो होते हैं ये तीनों शघोष होते हैं। फिर हमने पढ़ा अल्पप्राण, तो हमने कहा वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर जो होते हैं ये अल्पप्राण होते हैं, और इनके साथ साथ जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा ये भी अल्पप्राण होते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्रेंड्स महाप्राण क्या होते हैं, तो महाप्राण हमने कहा कि जो द्वितीय और चतुर्थ अक्षर होते हैं वर्गों के वे क्या होते हैं फ्रेंड्स, वे महाप्राण होते हैं, और इसके साथ साथ हा और ढा ये भी फ्रेंड्स महाप्राण की कैटेगरी में आते हैं अक्सर। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, तो फ्रेंड्स यानी कि वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर, उसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से फ्रेंड्स, श, 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 ह, ये ऊष्म व्यंजन है जो ये चारों ये महाप्राण में आते हैं। इसके साथ साथ ढ जो है ये भी महाप्राण की कैटेगरी में आता है। महाप्राण कौन से आते हैं फ्रेंड्स, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर जो है ये महाप्राण की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं स, श, श,
यानी तालब्य शा, दंत शा, मूर्धन्य शा और हा और अढ़ा, ढा के नीचे जो बिंदी लगती है अढ़ा, जिसे हम उचित व्यंजन कहते हैं, ये अढ़ा जो है ये महाप्राण के में कैटेगरी में आता है। तो महाप्राण अब आप आसानी से बता पाएंगे कि वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, और इसके साथ साथ जो उस व्यंजन सा, सा, शा, हा और अढ़ा जो है ढा के नीचे जो बिंदी लगती है, ये भी महाप्राण की कैटेगरी में आता है। यहां से फ्रेंड्स आपको इजली होगा याद करने में कि वर्ण नाम यानी कि कौन से, जैसे कावर्ग हमने कहा, कावर्ग हमने कल बताया था कि ये कंठ की मदद से बोले जाते हैं, और कंठ मतलब ये हमारे गले की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान इसका क्या होता है, कंठ होता है। कभी कभी पूछ लिया गया खा, खा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना होगा खा का उच्चारण स्थान क्या है फ्रेंड्स, कंठ है हमारा जो गला है वो खा का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो तालब्य की बात की, तालब्य मतलब तालू, तालू मतलब क्या है कि मुंह के अंदर के छत का जो ऊपर वाला पार्ट है अंदर का, इसके जो छत का जो पिछला भाग होता है वहां से जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं उन्हें हम तालब्य कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं फ्रेंड, च, छ, ज, झ, या, और इसके साथ साथ तालु से श और या, यानी जो तालब्य श और या होता है ये भी तालब्य वर्ण होते हैं, तालब्य व्यंजन होते हैं, इसको भी तालब्य की कैटेगरी में रखा गया है। तो फ्रेंड्स अगर इस पूरे टेबल को एक बार आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो वर्णमाला के 90% क्वेश्चंस आपके आसानी से होंगे, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं। बस क्या करना है, इसको अपने पूरे इस टेबल को अपने माइंड में सेट करना है, एक बार इसको लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इस वीडियो को कम से कम दो बार समझना है, देखना है आपको, आप आसानी से समझ पाएंगे। बस ये है कि पूरी वीडियो को आप पूरी देखें, तब वहां से आपको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स तालव्य हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होते हैं, जैसे हमने कहा जो टा वर्ग के वर्ण होते हैं इन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य का तात्पर्य किस बात से, कि जो मुंह के अंदर की जो छत है इसका जो अगला भाग है इसे फ्रेंड्स हम मूर्धन्य कहते हैं, और टा ठा डा ढा अड़ा ये जो है फ्रेंड्स ये मूर्धन्य है। इसी के साथ साथ जो षटकोण वाला शा हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स ये भी मूर्धन्य शा कहलाता है, ये भी मूर्धन्य की कैटेगरी में आता है। तो मूर्धन्य वर्णों की संख्या कौन कौन सी है, टावर और उसके साथ साथ शा जो है मित्रों, यानी जो यानी षटकोण वाला सा ये भी मूर्धन्य है। नेक्स्ट फ्रेंड्स दंत, यानी जो टावर है हमने बताया था ये क्या है, दंत है। दंत मतलब जो दांतों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें हम दंत कहते हैं। तो ता था दा धा न जो है इन्हें हम दंत कहते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओष्ठ। ओष्ठ हमने बताया जो पा वर्ग के वर्ण हैं व्यंजन हैं ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये ओष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें हम उनका उच्चारण स्थान क्या होता है फ्रेंड्स, ओठ होते हैं, ओठों की मदद से बोले जाते हैं, इस वजह से इन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स तालब्य हम पढ़ चुके। नेक्स्ट है वर्ष। वर्ष क्या है फ्रेंड्स, जब हम यानी कि किसी वर्ण को बोलने के लिए दांत के साथ साथ मसूड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम वर्ष कहते हैं। और कौन कौन से ऐसे लेटर है फ्रेंड्स, ये दंती सा, रा और ला, ये तीन वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम वर्ड्स की मदद से बोलते हैं, सा रा ला ये वर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या है, मतलब जो ऊपर के दांत और निचले वाले ओंठ की मदद से, यानी ऊपरी दांतों से और नीचे वाले ओंठ की मदद से जो बोले जाते हैं उन्हें हम दंतोष्ठ कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स क्या है, कौन सा वर्ण आता है, इसमें फ्रेंड्स वह होता है जिसे हम दंतोष्ठ कहते हैं। अगर पूछा गया दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, चार ऑप्शन दे दिए, तो फ्रेंड्स गलत नहीं करना है, वहां पे आपको वह टिक करना है, वह इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट मूर्धन्य हमने बता दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वरतंत्रीय। स्वरतंत्रीय क्या है फ्रेंड्स, स्वरतंत्रीय फ्रेंड्स जो कंठ के अंदर से यानी गले के अंदर से जो स्वर हमारी तंत्रिका होती है वहां से जब आवाज निकलती है तो वो वर्ण कौन सा होता है फ्रेंड्स, वो हा वर्ण होता है जो स्वरतंत्रीय होता है, जिसे हम स्वरतंत्रीय कहते हैं। तो ये कौन सा वर्ण, हा, हा स्वरतंत्रीय होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या है, जो जीव की झटके से यानी जीव की मदद से जो यानी कि वर्ण उत्पन्न होते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं, जैसे ड अढ़ ड अढ़ इसको बोल के आप देखिए ये कहां से, तो जीभ के झटके से यानी नीचे से निकलते हैं, इसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। तो जब भी कभी पूछा जाए उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी हिंदी वर्णमाला में, तो फ्रेंड्स दो है, कौन सी, ड अढ़, इसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने कल इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, इस पूरे वाले पार्ट की आपको वहां समझ जाना है। आज हमने अघोष अघोष अल्प्राण महाप्राण नाशिक इसके बारे में पढ़ा, इसको आप एक बार फिर से अच्छे से वीडियो को देखेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और हमने और एक दो क्वेश्चंस कुछ और बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। जैसे क्वेश्चन बन जाता है लुंठित व्यंजन क्या है, तो र लुंठित व्यंजन है फ्रेंड्स, आपको याद कर लेना है कि र जो होता है र से रथ वाला र जो है वो लुंठित व्यंजन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है पार्श्विक व्यंजन क्या है, पार्श्विक व्यंजन पूछ लिया जाता है जैसे पार्श्विक या ऐसे पार्श्विक, तो पार्श्विक व्यंजन अगर पूछा गया कौन सा है तो फ्रेंड्स जो ला होता है इसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड्स, पार्श्विक व्यंजन होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों के समझ में ये वीडियो मेरा बहुत अच्छे से आया होगा। प्लीज अगर फ्रेंड्स आपके समझ में आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। और इसके आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो इसका मैं लाऊंगा इस हिंदी वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा, वो प्रैक्टिस सेट होगा आपके लिए 50 क्वेश्चंस का और उसको आपको करना होगा, वहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे। इन दोनों वीडियो जो मैंने पिछले ये वीडियो और इसके पिछले जो मैंने वीडियो दिया है उन दोनों को आप पढ़ लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो इससे ज्यादा नहीं होता है और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप समय देंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और चूंकि मैं इस वजह से कह पा रहा हूं क्योंकि मुझे टेट और सीटेट और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत सारा है और इस वजह से मैं समझ पाता हूं कि क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं और किस स्तर के क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं आपको इजीली बता पाता हूं, उसी कैटेगरी के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट आने वाला है। और इसको पढ़ने के बाद आप उसको प्रैक्टिस सेट जरूर करें और फिर आप कमेंट में कहें कि आपको प्रैक्टिस करके कैसा फील हुआ, आप आखिर अपने आप को आपने कितना देखा, इसको पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से मैं वादा करता हूं आप हिंदी अगर कहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ मेरे साथ पढ़ेंगे और आप कहीं भी पढ़ना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जय हिंद जय भारत।